नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। छपरा में शिक्षकों ने संख ताली व थाली बजाकर सरकार का किया विरोध। छपरा नगर पालिका चौक पर रविवार को शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश कोषाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष सुभाष कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने संख ताली थाली बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया। नियोजित शिक्षकों ने अपनी सात सूत्री मांग, समान काम, समान वेतन, राज्य कर्मी का दर्जा, पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा शर्त, मूल वेतन का ईपीएफ कटौती, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लेकर प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार में शामिल राजनेता अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए वित्तीय संकट के बारे में एक बार भी चिंता नहीं करते हैं, जबकि वही नियोजित कर्मियों के बारे में वित्तीय संकट की बहाना करते हैं। छपरा से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोग इस कार्यक्रम के तहत शंखनाद किए हैं नीतीश कुमार को यह बताने के लिए कि आपने शिक्षकों की मांग न मान के और शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी, अन्याय और शिक्षा विरोधी नीति अपना के आपने जो शिक्षकों का हित किया है, आपको हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं कि अभी आचार संहिता के पहले अभी भी समय है, आप लोग आप हमारी मांगों को पूर्ण कीजिए, नहीं तो हम तमाम शिक्षक साथी, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक साथी आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। परिचय देना बताएं। सुभाष कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।